अरे ये नाक पे टमाटर क्यों लगा रखा है? टमाटर नहीं, मेरी नाक है। मधुमक्खियों ने डंक मार मार के ये हाल कर दिया है। वो देखो छत पे कितना बड़ा छत्ता बना लिया है मधुमक्खियों ने, देखो। रातों रात इतना बड़ा छत्ता कैसे बना लिया? इनको कैसे भी करके भगाना पड़ेगा, वरना ये हमें ऐसे ही काटती रहेंगी। इन दोनों आदमियों ने हमको देख लिया है, अभी अपने घर से हमारा घर हटाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलो चलो, विन नी को बताते हैं। बहनों, हमें बहुत टाइम के बाद एक अच्छी जगह रहने के लिए मिल पाई है। यहाँ आंधी तूफान बरसात किसी भी चीज का असर नहीं होगा। ये दोनों आदमी कुछ भी करें तो उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। यस क्वीन, हम सब साथ हैं। मोटू, इनको भगाने के लिए जल्दी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे करना क्या है, मैं अभी एक डंडा लेकर आता हूँ। डंडा खाएगी ना तो खुद ब खुद बाहर भाग जाएंगी। हाँ मशीन, इसमें कोई खतरा नहीं है, बस घर में धुआं करना और सारी मधुमक्खियां भाग खड़ी होंगी यारी। साथियों, जैसे ही दोनों पास आए उन पर अटैक कर देना। मम्मी पापा, ऐसा लगता है कि हम दोनों सूझ सूझ कर गुब्बारा बन जाएंगे। मोटू पतलू, तुम मेरे 20 साल के तजुर्बे का इस्तेमाल करो। कंबल लपेट कर जाओ और उनको अपने रास्ते से हटा दो। आइडिया अच्छा है। अगर उनको भगाना है तो नीचे जाना ही पड़ेगा। ऐसा काटा है कि बैठना भी मुश्किल है। पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। अब तो एक ही आइडिया समझ में आता है, हम लोग घर के छत को ही उड़ाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई, मेरे यार, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है यार। ना रहेगी छत और ना रहेगा छत्ता। चलो मेरी कार से चलते हैं यारी।
मधुमक्खियों से। बाय बाय, अब यही मजे करना, हम तो चले। बींबी, ये लोग घर की छत के साथ ही हमें सुनसान मैदान में छोड़कर भाग रहे हैं, अब क्या होगा? ये तो अब हमारी इज्जत पर बात आ गई है। एरोप्लेन भी, गेट रेडी। मधुमक्खियों को पता नहीं हमसे क्या बैर है। तो चलो चिंगम सर के पास चलते हैं। चिंगम सर, हेल्प, हेल्प, प्लीज। ए मोटू पतलू, तुम दोनों को क्या हो गया? क्या? चिंगम सर, हमारे घर पर बिन बुलाए मेहमानों ने कब्जा कर रखा है, हम लोग उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। Why Pierre when Chingam is here? बिन बुलाए मेहमान मुझे भी पसंद नहीं, अब भी जाकर उनको घर से निकालता हूँ। मान ना, मान 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 मान, मैं तेरा मेहमान। चिंगम सर, पहले सुन तो लो कि वो कैसे लोग हैं। कोई भी हो, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है। बार 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 बराबर। इंस्पेक्टर चिंगम, कौन है जिसने मेरे दोस्तों के घर पर कब्जा कर रखा है? सामने आओ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। फाइटर बीस, अटैक! मोटू पतलू, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कैसे मेहमान है? चिंगम सर, हम तो आपको बता ही रहे थे, लेकिन आप बिना सुने निकल लिए। देखो मधुमक्खियों, हमने तुमको भगाने के लिए बहुत कुछ किया, सॉरी, वेरी सॉरी। पर तुम लोग ही सोचो, अगर तुम्हारे घर पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले तो तुम लोगों को कैसा फील होगा, कैसा लगेगा? जंगल में इतने सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तुम लोग वहाँ क्यों नहीं जाके रहते? अरे वहाँ भी तो जाके अपना घर बना सकती हो। काट काट का हमारा बदन पकोड़े जैसे बना दिए। This is not fair, not fair. तुम्हारी बात सही है, गलती हमारी है, लेकिन अगर पहले ही प्यार से रिक्वेस्ट करते तो हम पहले ही चले जाते। प्यार से जो काम हो सकता है वो मारपीट से कभी नहीं हो सकता। सॉरी तुम लोगों को तकलीफ दी, हमारी तरफ से तुम सबके लिए ये छत्ता छोड़ जा रहे हैं। जी भर के शहद पीना, हम दूसरा छत्ता बना लेंगे। थैंक यू क्वीन बी।